जय साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सबको इस नए वीडियो पे। इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करेंगे डिग्री पार्ट वन के जितने भी कैंडिडेट का रिजल्ट आया। सबसे पहला जिनको प्रमोटेड कर दिया है तो उनको अब क्या करना है, दूसरा जिनको एबसेंट कर दिया है एग्जाम देने के बावजूद, तीसरा पीडीएफ फाइल में पास दिखा रहे थे और उनका रिजल्ट प्रमोटेड आ गया, तो इन सभी समस्याओं को मैं इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ और जो समाधान होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके जरूर रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जितने भी कैंडिडेट प्रमोटेड हो गए हैं, तो इसमें पहले तो यह जानना पड़ेगा कि आप प्रमोटेड किस कारण से हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट यह हो सकता है कि आपने एग्जाम दिए थे, कोई पेपर आपका अच्छा नहीं गया होगा और उसमें कम अंक मिल गया, उस कारण से आप प्रमोटेड हो गए होंगे, ठीक है। दूसरा रीजन यह हो सकता है कि कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, एग्जाम देने के बावजूद एब्सेंट कर दिया है, तो इस कारण से भी आप लोग प्रमोटेड हो गए होंगे। तो देखिए, अगर आप एग्जाम दिए थे और आपको किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल करके उसके बाद प्रमोटेड हो गया, मतलब अंक दिया है, 5 दिया है 7 दिया है 10 दिया है, उसे नहीं मतलब है, एब्सेंट नहीं किया गया है और अंक जितना भी दिया है उसमें अगर आप प्रमोटेड हो जाते हैं तो जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड हुए होंगे उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको फिर से देना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अभी आप स्कूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका भाग्य सही रहा तो आपको स्कूटनी में अंक सुधार हो सकता है, ठीक है। स्कूटनी की प्रक्रिया में अगले वीडियो में बताऊंगा, बाकी उससे बहुत सारे कैंडिडेट के सुधार नहीं होता है, इसीलिए इस पर वीडियो बनाना ही बंद कर दिया हूं, ठीक है, क्योंकि स्कूटनी के नाम पर यूनिवर्सिटी के तरफ से विद्यार्थियों के साथ खेला जाता है, इस कारण से स्कूटनी पर उतना भरोसा कैंडिडेट को भी नहीं दिलाते हैं। अगर आप उस तरह के प्रमोटेड हो गए हैं तो आप जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो गए उसकी आप तैयारी करते रहिए, जब पार्ट वन वाले कैंडिडेट का एग्जाम होगा उसी के साथ आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद जो है आप लोगों को उसी के साथ साथ एग्जाम देना है उस पेपर का, ठीक है। बाकी आप प्रमोटेड हो गए हैं तो पार्ट टू का भी एग्जाम आप लोगों को देना है, यूं नहीं समझिएगा कि आप पार्ट वन में ही रह गए, पार्ट टू में भी आप चले जाएंगे, प्रमोटेड हो जाएगा तो पर भी। अब दूसरा कारण कि आप एग्जाम दिए थे, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो या थ्योरी पेपर का हो, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपको किसी एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में एब्सेंट करके प्रमोटेड कर दिया गया है, तो इस तरह की समस्या का आप समाधान कर सकते हैं, ठीक है, ये बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है कि आपके डेटा नहीं मिलने के कारण आपको एब्सेंट कर दिया गया हो, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, या तो आप अपने कॉलेज में जाकर के पता कर लीजिए कि मुझे एब्सेंट कर दिया गया है तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर कॉलेज की तरफ से आपके एप्लीकेशन को ले लिया जाता है तो कॉलेज से सुधार करवा दिया जाएगा, लेकिन अगर कॉलेज की तरफ से एप्लीकेशन नहीं लिया जाता है और बोलेगा कि यूनिवर्सिटी ही जो करेंगे करेंगे, तब आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और अपनी समस्याओं को बताना पड़ेगा, तो उसमें आपको क्या लगेगा, एडमिट कार्ड की छाया प्रति, उसके बाद रिजल्ट आया होगा उसकी छाया प्रति दिखाना है, एक एप्लीकेशन लिख लेना है, चाहे तो आप फॉरवर्ड करा सकते हैं अपने कॉलेज से, लेकिन जरूरी नहीं है फॉरवर्ड कराना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, मेमो निकलवाना पड़ता है, अगर मेमो नहीं है आपके एडमिट कार्ड पर कॉपी नंबर लिखा हुआ है तो मेमो नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। तो वो चीज आप अपने यूनिवर्सिटी में जाकर के शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, निःशुल्क रहता है शिकायत दर्ज करवाना, ठीक है, तो आपके रिजल्ट को देख करके उसे सुधार कर दिया जाएगा। तीसरा समस्या यह है कि कैंडिडेट को पीडीएफ फाइल में पास दिखा रहा था लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनको प्रमोटेड दिखा रहा है, तो देखिए हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट करके बताए हैं, मुझे पीडीएफ फाइल का भी भेजा और रिजल्ट भी भेजा, और कुछ ऐसे ऐसे कॉलेज है जो किसी एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट के कैंडिडेट का टोटल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का नंबर नहीं भेजा, उसके बाद कुछ कॉलेज में थ्योरी ही गायब है, तो इस प्रकार की समस्या है। तो देखिए, अगर आपका पीडीएफ फाइल में नाम पास में आया था और आप प्रमोटेड दिखा रहे हैं, अभी इस समस्या का समाधान भी इसी प्रकार से आप लोगों को करना है, या तो आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन मेमो जो भी होता है वो लगा करके आप सुधार करवा सकते हैं,
या अपने कॉलेज के स्तर से सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप एबसेंट बिना गलती के हुए हैं तो आपके समस्या का समाधान होगा। आप लोगों को इस पर तत्पर रहना पड़ेगा। अगर आप तत्पर नहीं रहिएगा तब क्या होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी छोड़ दिया जाएगा कि सही में ये स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिया था, इस कारण से एबसेंट हो गया है, तो फिर उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको अगले साल देना पड़ेगा। इसीलिए अभी समय है, या तो आप यूनिवर्सिटी से सुधार करवा लीजिए या अपने कॉलेज के स्तर से शिकायत दर्ज करवा करके सुधार करवा लीजिए। आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगला इन्फॉर्मेशन आप किस पर चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।